फ्रेंड्स, ये नमक पारा बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो मैदा। उसके ऊपर हम डालेंगे स्वाद अनुसार पहले नमक, और डाला हमने करौंजी, इसको काली जीरी भी बोलते हैं, इसे क्रश करके थोड़ा डाल देंगे। और हमने लिया है अजवाइन, ये दोनों हमने एक एक चम्मच ही लिया है, इसे भी हम क्रश करके डालेंगे। इससे भी बहुत बढ़िया नमक पारे के अंदर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये हमने लिया है ऑयल, ये ऑयल हम अराउंड 50 टू 60 ग्राम जितना लेंगे। मोइन हमें ज़्यादा इसमें मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये नमक पारे हम बनाएंगे पतले पतला है और एकदम क्रिस्पी, जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, एकदम टेस्टी टेस्टी लगता है। तो हम पहले इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें कलौंजी की मात्रा आप कम भी कर सकते हो, मुझे फ्लेवर जो बहुत बढ़िया ज़्यादा एकदम पसंद है, तो मैंने यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन रखा है एक एक चम्मच का। आप आधा चम्मच डालेंगे तो बेटर रहेगा, एकदम हलवाई जैसी, पर्सन के दुकान में जैसा अपना नमक पारा मिलता है ना, सेम आपका वैसे ही बिल्कुल टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी को जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे आप भी बनाना, आपका नमक पारा भी बिल्कुल मार्केट के जैसा ही बनेगा, हलवाई के जैसा। आपको मार्केट में कभी खरीदने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। और इसमें हम थोड़ा नॉर्मल वाटर है, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम मैदे के अंदर मिक्स करते जाऊंगा। और डव जो हम लगाएंगे, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम सा हम लगाएंगे। ये देखो फ्रेंड्स, थोड़ा मेहनत तो है ये आटा लगाने में। इस तरह से हम धीरे धीरे ये मैदे को लगाएंगे एकदम बढ़िया से मालिश करते हुए, तो अपना नमक पारे बहुत ही एकदम बढ़िया बन के निकलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक आधा चम्मच जितना हमें ऑयल भी हमें लगाना पड़ेगा डव के ऊपर में, और इसे ऊपर से बढ़िया से हम मालिश कर देंगे। ये देखो फ्रेंड्स, इस तरह से पूरे में ऑयल लगा के उसके बाद हम उसको ढक्कन दे के आधे पौने घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो क्या है, अपना आटा है ना बहुत ही बढ़िया एकदम बन के उठेगा, इसमें अपना नमक पारा एक नंबर बनने वाला है। फ्रेंड्स, ये देख लो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। आटे की कंसिस्टेंसी आप देख लो, इस तरह की रहना चाहिए, ना हार्ड ना सॉफ्ट। और उसके बाद हम इसके ऊपर में ढक्कन डाल के और फिर आधे घंटे के लिए पौने घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना नमक पारे का आटा भी रेडी हो चुका है। अभी हम इसका लोया काटेंगे, पेड़ा काटेंगे और उसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने छोटे छोटे पेड़े काट लिए ऐसे, अभी हम इसे बेलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने एकदम पतला पतला बेल के लिया है। तो अपनी जो नमक पारे जो बनेंगे अपने, वो एकदम क्रिस्पी बनेंगे, खाने में चाय के साथ ही बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। बिल्कुल दुकान के जैसे, हलवाई वालों के जैसा ही अपना नमक पारे भी बनेगा। फ्रेंड्स, निमकी को, नमक पारे को पतला पतला स्लाइस इस तरह से कटिंग कर लिया अभी हमने। अभी हम इसे डालेंगे फ्राई करने के लिए। ऑयल अपना मीडियम गरम है, ज़्यादा गरम हमने नहीं रखा है। तो इस मीडियम गरम ऑयल उसमें हम डाल दे रहे हैं ये अपना नमक पारे। ये देखो फ्रेंड्स, ये एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बढ़िया बन के निकलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाला है ये खाने पे। इसे हम एकदम गोल्डन ब्राउन जैसा होने देंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, अभी ये जैसा गोल्डन ब्राउन, हल्का लाइट ब्राउन जैसा हुआ, तो अभी मैं इसे निकाल लूँगा बाहर। देखो फ्रेंड्स, कितना बढ़िया बना अपना नमक पारे, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, सॉफ्ट, पतला पतला, कुरकुरा एकदम।